अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। भाजपा सरकारने बेरोजगार युवकांसह शेतकरी आदिवासींची घोर फसवणूक केली असून प्रधानमंत्री मोदी हे भांडवलदारांचे पाठीराखे असल्याचा आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काल धुळे येथे झालेल्या पक्षाच्या प्रचार शुभारंभ सभेमध्ये केला आहे। काँग्रेसची सत्ता आल्यास बेरोजगार युवक आणि शेतकरी यांना विनाअट कर्ज उपलब्ध करून देऊ, यासोबतच शेतकऱ्यांची कर्ज सरसकट माफ करू, असे सुद्धा राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे। धुळे शहरातील SSVPS महाविद्यालयाच्या मैदानावर या प्रचार सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। मोदी यांची देखील पहिली प्रचार सभा धुळे येथूनच सुरुवात झाली होती आणि आता काँग्रेस पक्षाने सुद्धा धुळे येथूनच प्रचार शुभारंभ केल्यामुळे उत्तर महाराष्ट्र हे देशाच्या राजकारणाचे बिंदू ठरले आहे। या धुळ्यापासून याची जी सुरुवात होणार आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या वेळेचे परिवर्तन होणार आहे, याची चुरुक आमच्या सभेने दाखवून दिलेली आहे। या पटांगणामध्ये जेवढे लोक बसले याच्या दुप्पट लोक समोर आजूबाजूच्या रस्त्यावर उभे आहेत। मागच्या आठवड्यामध्ये सरकारी यंत्रणेचा वापर करून जी सभा झाली त्याच्यापेक्षा दुप्पट लोक आज या ठिकाणी आहेत आणि आपण काँग्रेसवरचं प्रेम व्यक्त केलंय। आपण जोरदार या 5 वर्षांमध्ये या मोदी सरकारने विशेषतः
राज्याचा पंतप्रधान आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणावर घोषणा करण्याचं काम केलं. आपलं सरकार आणि घोषणा संपला एवढाच कार्यक्रम झाला. प्रत्यक्षात 5 वर्षामध्ये सामान्य माणसाच्या हातामध्ये तोंडाला पानं पोचण्याचं काम जर कोणी केलं असेल या मोदी सरकारने आणि फडणवीस सरकारने या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि म्हणून पाहिलं त्या ठिकाणी परिवर्तन घडलं. 3 राज्यामध्ये परिवर्तन घडलं. मध्य प्रदेशमध्ये परिवर्तन घडलं. छत्तीसगडला परिवर्तन घडलं. त्या ठिकाणी आपण पाहतोय मध्य प्रदेश छत्तीसगड या सगळ्या 3 राज्यामध्ये परिवर्तन, राजस्थानमध्ये परिवर्तन घडलं. आणि लोकांनी दाखवून दिलं की तुमच्या भेकूपीला तुमच्या कोडा बोलण्याला जनतेला वीट आलेला आहे. आणि म्हणून लोकांनी या सरकारला बाजूला केलं आणि 3 राज्यामध्ये काँग्रेसची सत्ता निर्विवादपणे पूर्ण आलेली आहे. दोस्तो रमण रे महाराणी भी गई चले गए शिवराज मामा. रमण रे महाराणी भी गई चले गए शिवराज मामा. 2 महीने में बंद हो जाएगा चाय वाले का ड्रामा. लक्षा के राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अतिशय शिबिर चिंता सरकारला. 15,000 पेक्षा शेतकरी आत्महत्या करतात. तुमच्या प्रश्नाकडे कोणी बघायला वेळ आहे का? कोणाला वेळ नाही. तिकडे पाहतो आपण डीएपीचा भाव शेतकऱ्यांच्या हातावर लागणारे खर्च आहेत. औषध आहे 850 डीएपी 1475 रुपये लागलेला आहे. आपण पाहतो फवारणीसाठी लागणार औषध सुद्धा 5% व्याट होता. तो व्याट आता 18% जीएसटी लागलेला आहे. आणि मिश्र खत सुद्धा 850 रुपये झालेले आहे. म्हणजे महागाई वाढत चालली. शेतकऱ्यांच्या मालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या बाबतीमध्ये जी घोषणा केली होती आधारभूत किंमत मिळत नाही. आणि दर बजेटमध्ये अरुण जेटली म्हणतात की मिनिमम सपोर्ट प्राईस असती चालू होती. आणि कुठे गेलं? 5 वर्ष निघून गेली तुमची, अजून तुमच्या घोषणा सुरूच आहे. आपण पाहतोय जे दुकानं सरकारने उभी केली त्या ठिकाणी माल खरेदी करण्याकरता माल प्रत्यक्ष खरेदी होत नाही, पैसे नाही. अशा प्रकारचं हे भिकारी सरकार या राज्यामध्ये आहे. देशात तिकडे देशामध्ये नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र आणि मंत्रालयामध्ये उंदर आणि तुम्हाला दारिद्र अशा प्रकारची अवस्था या सरकारने त्यामुळे यांच्या भरोशावर राहायचं किती, यांच्या भरोशावर राहायचं किती. मित्र देशाच्या बाबतीमध्ये आपण पाहतो पुलवामामध्ये जी घटना घडली अतिशय दुःखद घटना. आम्हा सर्वांना त्या ठिकाणी तीव्र दुःख आहे. आमचे पॅरामिलिटरी फोर्सेस आमची सर्व मंडळी त्या ठिकाणी 40-45 वर्ष जास्त जवान त्या ठिकाणी मारले गेले. त्या ठिकाणी आज कालच्या अटॅकमध्ये आमचे त्या ठिकाणी चॉपर मध्ये आमचा पायलट मारला गेला. आमचं मी तिथं नाशिकला आणि सर्वांनी या ठिकाणी श्रद्धांजली व्यक्त केली आहे. पण आम्हाला एवढं सांगायचं आमचे अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले की आम्ही या सरकारला या प्रसंगाला देशाबरोबर आम्ही आहोत. कुठल्याही राजकारणाला करायचं नाही. पुलवामाच्या प्रकरणामध्ये राजकारण करण्याचा विषयच नाही. देश सुरक्षित तर आम्ही सुरक्षित ही आमची भावना आहे. देशामध्ये शूरवीर आमचे जे सैनिक आहेत, पॅरामिलिटरी फोर्स आहेत, हवाई दल आहे, सैनिक आहेत, सर्वांच्या कठोर प्रयत्न आणि हिंमतीने आज देश सुरक्षित राहतो. आमचा अभिमान आहे मनापासून मी आमच्या सैनिकांचं अभिनंदन करतो. पण दुसरीकडे या भाजपवाल्यांनी याचा राजकीय फायदा घ्यायला सुरुवात केली आहे. येडियुरप्पा नाही म्हणतात हा विषय जोरात वाजवा म्हणजे आपल्या 22 जागा कर्नाटक मध्ये निवडून येतील. अरे तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे. तिकडे सैनिकांची चिंता जळते आणि तुम्ही लोकसभेच्या जागा मोजत बसलाय याचा विषय केल्याशिवाय मला राहणार नाही. हा विषय राजकारणाचा नाही. याचा उपयोग तुम्ही राजकीय दृष्ट्या करत असाल तर आम्हाला हे निश्चित मान्य नाही. सैनिकांची शूरवीरता जी आहे त्यांचा क्रेडिट जरूर दिलं पाहिजे. हे काय भाजपवाल्यांचे काम नाही की भाजपवाल्यांनी दुचाकी मारावी आमच्यामुळे हे घडते अजिबात नाही. सर्व देश आज देशातल्या सैन्याच्या बरोबर आहे आणि देश सुरक्षित राहिला पाहिजे मनापासून भावना आहेत. आणि आमच्या काँग्रेस अध्यक्षांनी पहिला स्पष्ट केलेला आहे की राजकारणाचा विषय होऊ शकत नाही. त्यानंतर तिकडे शेतकऱ्यांची अवस्था, बेरोजगारांची अवस्था पण पाहतोय. बेरोजगारी वाढत चालली. मंत्रालयामध्ये कॅन्टीन मध्ये भरण्याकरता
सात कोटांची जागा होती, अर्ज किती आले? 7,000 अर्ज आले. म्हणजे विचार करू शकता, ग्रॅज्युएट सुद्धा मुलं आता मंत्रालयाच्या कॅन्टीन मध्ये वेटरचं काम करणं इतकी परिस्थिती गेली आहे. विचार करू शकता की कशा पद्धतीने बेरोजगारांची दरवर्षी 2 कोटी 5 वर्षात 10 कोटी भाग रोजगार गेले, रोजगार गेले कुठे? खोट बोलायचं, रेटून बोलायचं, धापा मारायच्या, अशा पद्धतीने मित्र हे काम सुरू आहे. मला या ठिकाणी माझ्या अध्यक्षांना अवगत करायचं की राज्यामध्ये आमचा प्रयत्न की महाआघाडी झाली पाहिजे. आम्ही राष्ट्रवादीशी बोललो, राष्ट्रवादीची आमची आघाडी करण्यासंदर्भात आम्ही पुढाकार घेतला, ते मान्य होतोय. त्यावर पक्ष संपलेला आहे. प्रकाश आंबेडकरांच्या वतीने आघाडीला आम्ही विनंती केली की आपण सोबत या, तुम्हाला काय सांगायचा प्रश्न मी मान्य करायला तयार आहोत. 4 जागा आम्ही घेऊन गेलेल्या आहेत, पण त्यांना आम्ही सांगितलं कृपया वेळी चूक मानू नका. तुम्ही वेळी चूक जर मांडली तर फायदा कोणाचा होणार आहे? तर भाजपचा होणार आहे. आणि म्हणून त्यांना मी जाहीर विनंती केली की काँग्रेस तुमच्यावर राहायला तयार आहे, त्या ठिकाणी सीपीएम काँग्रेसच्या कोणी यायला तयार आहे, शेगाव पक्ष यायला तयार आहे, नानू शेतकरी शेतकरी संघटना यायला तयार आहे. सर्व मिळून आपण मोड मांडूया. पण मागच्या वेळेस 70% मतदान जे विखुरलं गेलं होतं, ते 70% मतदान एकत्र आलं तर भाजप सेनेचा पराभव आठवला मिळतो हो. मला मुद्दा या ठिकाणी सांगितला पाहिजे. मराठी कोणी म्हणजे एखादी गोष्ट घरी मराठी म्हणजे अनेकांनी केला तर मला सांगितलं पाहिजे. हा खानदेश म्हणजे इंदिराजींना अतिशय आवडता पुरी असा हा खानदेश राहिलेला आहे. नंदुरबार असो, धुळे असो, नाशिक असो, त्या नगर असो, हे सगळ्या जिल्ह्याचे आपल्या खानदेशातले आहेत. त्या नंदुरबार सही त्या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये इंदिराजींनी नेहमी या ठिकाणी जुन्या गांधी सुद्धा आधार कार्डची सुरुवात जर कुठे केली असेल, सामान्य माणसाला ओळख द्यायचं काम जर कोणी केलं असेल, तर आपल्या शासनाने आधार कार्ड आणलं असेल तर नंदुरबार मधून मनमोहन सिंग साहेब आणि सोनिया गांधी साहेब त्या ठिकाणी आल्या. त्यांच्या असं वेगवेगळे गोष्टी विचार करू शकता. सामान्यतः सामान्य आदिवासी माणसाला ओळख त्याला देशात मिळाली पाहिजे. ही भूमिका इंदिराजींची राहिली, सोनिया गांधींची राहिली. आणि मग मला मुद्दा मी तो उल्लेख करायचा, आज अवस्था पाहिली आमच्या आदिवासी बांधवांची अवस्था भगेट करून टाकते. शैक्षणिक सुविधाला अर्थसंकल्पातून कमी करून टाकली. सिंचनाच्या कामामध्ये सिंचनाचे कार्य प्रकरण मागे ठेवून काही काम होत नाही. आश्रमशाळेला अतिशय बिकट अवस्था आले, कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये हे सरकार फक्त घोषणा करत आहे. मित्र, या ठिकाणी अवर्णे तालुक्यातील पारसरे धरणाकडे या भाजप सरकारने दुर्लक्ष केलेलं आहे. अमळनेर तालुक्यातील मंडळी मला भेटली आणि त्यांनी मला सांगितलं की अमळनेर तालुक्यातील पाडसरे धरणाकडे त्या भाजप शिक्षकांना दुर्लक्ष केलंय आणि घोड्यावर जळगाव जिल्ह्यातील 6 तालुक्यांना त्या धरणाचा फायदा होणार आहे. आंदोलन सुरू आहे, लोक ते त्या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणात लक्ष आहे लोकांचा. सरकार काही करत नाही. मला जरूर सांगायचंय, सरकार राज्यामध्ये काँग्रेसला आणा, देशात आणा, हा प्रश्न आम्ही मागे लावल्याशिवाय राहणार नाही. आपण पाहतो शेतकऱ्यांनी आपलं अन्नधान्य रस्त्यावर फेकलं, दूध रस्त्यावर फेकलं, कांदा रस्त्यावर फेकला. ही विवंचना ही अवस्थाचा असेल तर मला स्वतः आपल्या देशाचे मित्र आपण किती काळ या सरकारच्या भरोशावर राहायचं? अजिबात नाही. याला भीक मागायची. अरे राहुल गांधी, गांधी साहेबांना मी विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं. माणिकराव गावेजी, रोहिदास पाटीलजी, अमरीश पाटीलजी, श्याम सारेजी, युवराज करंतलजी, पार्टी कॅमेरे सब कार्यकर्ता नेता स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ दिल से स्वागत. पूर्व पीछे लोग खड़े हैं, आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत. शुरू करने से पहले
हमारे जो पुलवामा में सीआरपीएफ के और वायुसेना के जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी हम यहां याद करते हैं। ২০১৪ में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जहां भी जाते हैं वायदे करते हैं, देश की बात करते हैं, यहां रोजगार की बात की, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने कहा था, यहां भाषण में कहा था, किसान का नमक मैंने खाया है, मैं किसान की रक्षा करूंगा, कहा था। अब देखिए सीआरपीएफ पर आक्रमण हुआ, सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, लड़ाई चल रही थी, बम गिराए जा रहे थे, मैंने साफ बोला और मैंने कांग्रेस पार्टी के हर नेता हर कार्यकर्ता से बोला कि इस समय कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कांग्रेस का कोई भी नेता सरकार के बारे में सरकार पर कोई भी आरोप नहीं लगाएगा। क्यों बोला मैंने? क्योंकि लड़ाई चल रही थी और मैंने कहा, अपने लोगों से कहा, देश की जनता से कहा, हिंदुस्तान को एक साथ खड़ा होना है। बंगले में बंद होंगे फिर से हम राजनीति शुरू कर देंगे, मगर जब तक हमारे लोग शहीद हो रहे हैं तब तक कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक आक्रमण नहीं करेगी। सही बोला, गलत बोला? सही बोला। अब प्रधानमंत्री पुलवामा में बहुत पत्थर है, मीडिया को कहते हैं हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है और फिर कांग्रेस पार्टी विपक्ष पर आक्रमण करते हैं। उसी समय इंडिया गेट शहीदों का मॉन्यूमेंट खुलता है, प्रधानमंत्री सीधा कांग्रेस पार्टी के पक्ष पर आक्रमण करते हैं। मतलब 5 मिनट भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते। ये हमारे पर आप मेरे भाषण सुनो, जितने सुनने सुनो, उनके आप सब भाषण देखो,
आदमी मैं ढूंढ रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान को कहा, पूरे हिंदुस्तान को कहा, देखो दो गर्म युवाओं को हर साल, दो गर्म युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। हमने लोकसभा में पूछा, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले हमने लोकसभा में पूछा, भैया बताइए हिंदुस्तान की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कितने युवाओं को रोजगार देगी? उनका मंत्री खड़ा होकर कहता है साल में 1,00,000 युवाओं को हम रोजगार दे पाते हैं। 25 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज, मतलब 450 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार मिलता है। और उधर नरेंद्र मोदी की मीटिंग में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, दाएं देखो इंडिया, बाएं देखो इंडिया, ऊपर देखो इंडिया, नीचे देखो, वायुसेना एजेएल 70 साल से हवाई जहाज बना रही, 70 साल से। यहां पे शायद पास में आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नासिक में एक चले, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये चलने क्या लगनी की वो जो निराश हवाई जहाज गया, जो सुखोई हवाई जहाज हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा था, वो क्या नहीं हमारे
उसके बाद कहते मारो झगड़ा को कहते हैं बुलाते हैं ऐसी लाते हैं तो आप 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकते हैं। हिंदुस्तान के किसान को आप 1 रुपया माफ नहीं कर सकते, महाराष्ट्र के किसान को आप 1 रुपया नहीं माफ कर सकते। बड़े बड़े भाषण दिए, आप मुझे बताओ आपको कितना पैसा मिला? यहां कर्जा माफी हुई है ना, कितना पैसा मिला आपको मुझे बता दो। कोई फायदा हुआ आपको? एमएसपी मिलती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, हर मीटिंग में मैंने कहा देखिए बाकी सबको आप छोड़िए, मैं आपको एक गारंटी देता हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आपका कर्जा माफ हो जाए, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। उन्होंने ये भी कह दिया छत्तीसगढ़ में माफी नहीं, ये भी कह दिया देखिए कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी धान के लिए आपको 2,500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं घर से कहता हूं 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने काम कर दिया। नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, पैसा है हाँ ना, वो 3 चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन में काम करके दिखा दिया। और आदिवासी भी जमीन के पीछे पड़े हुए, हम आदिवासी मिल रहा है पैसा कल मिल रहा है, साफ निकाल उसमें आदिवासी से जमीन नहीं ली जा सकती है, नहीं छीन जाएगी और उसका हक उसको दिया जाएगा। मरना मोदी जी का कहना है आदिवासी की जमीन छीन कर हम अपने 15-20 उद्योगपति मित्रों को देख नहीं रहेंगे। और मैं आपको स्टेज से बता रहा हूं और आप अच्छी तरह सुन लीजिए, आदिवासियों की जमीन, किसानों की जमीन हम आपको छीनने नहीं देंगे कुछ भी हो जाए। भट्टा प्रस्ताव में, न्यायगिरी में आप याद रखिए लड़ाई कौन लड़ा था, कौन सी पार्टी लड़ी थी आप याद रखिए, जमीन अधिकरण बिल कौन सी पार्टी लड़ाई, पैसा कानून, आदिवासी बिल कौन सी पार्टी लाई थी, कांग्रेस पार्टी लाई थी। सब लोग खिलाफ हो गए थे, एक एक पीछे नहीं हटे हम, हमने साफ कह दिया देखिए जमीन किसान से आदिवासी से पूछे बिना नहीं ली जा सकती, और अगर जमीन आदिवासी किसान देना चाहता है तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा पहले उसके बैंक में डालिए फिर जमीन लीजिए। और यह कानून हमने पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन में होता है, पूरा हिंदुस्तान जाता है आपसे मिला है, सही बात होगी ना, है ना, गरीब से किसान से जमीन छीनी जाती है, उसको सही नाम नहीं दिया जाता, इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हिंदुस्तान में। और आप देखिए जब कांग्रेस पार्टी जमीन अधिकारों के बिल की बात कर रही थी तो चौकीदार जी क्या कर रहे थे, चौकीदार जी पार्लियामेंट में खड़े थे और जमीन अधिकरण बिल को रद्द करने की कोशिश कर रहे थे 3 बार। और इस देश के हर आदिवासी को, हर किसान को यह बात सुननी है और समझनी है कि आपके प्रधानमंत्री चौकीदार जी ने 3 बार 3 बार
कश्मीर को खत्म करने की कोशिश की और तीन बार उनके सामने कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमारे पास ज्यादा एमपी नहीं है, 40-45 एमपी है लोकसभा में, दिन भर हम आपके लिए खड़े रहे, एक इंच पीछे नहीं हटे। उसके बाद मन की बात में मैं नरेंद्र मोदी जी कहते मैं तो करना ही नहीं चाहता था, मैं तो करने ही नहीं चाहता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आपको रोका। मुझे चौकी, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे चौकीदार बनना है, चौकीदार बना। चौकीदार बना और फिर सीधा 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी की जेब। महाराष्ट्र में कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए होता, महाराष्ट्र के किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया मुझे बता दो। महाराष्ट्र का किसान अपनी जेब में से बीमा का पैसा देता है, हिंदुस्तान के सब डिस्ट्रिक्ट माननीय है, थोड़े से अनिल अंबानी को भी है, थोड़े से किसी और मित्र को, आप अपना पैसा लगाते हो, तूफान आता है आपका नुकसान होता है, आपका ही पैसा कंपनी आपको वापस नहीं देती। उनको फायदा आपको नुकसान, आपने क्या गलती की है, हिंदुस्तान के किसान ने क्या गलती की है, आपने चोरी तो नहीं की। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए से भाग जाता है, उसका कुछ नहीं होता, उसको नरेंद्र मोदी जी नीरव भाई मेहू भाई कहते हैं। आपसे सिर्फ छीनते हैं, आपकी जमीन छीनी जाती है, आपका भविष्य छीना जाता है, कुछ दिन पहले लोकसभा में पीयूष गोयल जी बजट की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा अचानक से बीजेपी के सब एमपी ऐसे ताली बजाने लग गए, ताली बजाने लग गए। खाड़े जी मेरे पास बैठे थे, मैंने पूछा ये हुआ क्या, मतलब ये काली मतलब 5-10 मिनट उन्होंने काली बजाय मेरे लिए क्या कर दिया, इसमें बीजेपी लोग काली बजा रहे। पता लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने, पीयूष गोयल जी ने हिंदुस्तान के किसान को दिन के 17 रुपए दिए। किसान को नहीं, एक परिवार को 17 रुपए, मतलब एक व्यक्ति को 3.5 रुपए, उसके एकदम बाद
हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को मिनिमम इनकम मतलब कम से कम आमदनी का पैसा डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया। और हम 20 रुपए नहीं देंगे आपको, अगर वो 3.5 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं 15 लोगों को, तो हिंदुस्तान के किसानों को, गरीबों को, युवाओं को आमदनी दे सकते हैं और तेल दिखाएंगे। ये दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का, दूसरा हिंदुस्तान अनिल अंबानी का, नरेंद्र मोदी का और 20-25 उद्योगपतियों का। पूरा पूरा फायदा उनको मिले, किसान दिन भर काम करे, युवा 24 घंटे रोजगार ढूंढता रहे। ये मोदी जी की सरकार, दो हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान रहेगा, उसमें सब लोगों की भागीदारी होगी, सब लोगों को जगह मिलेगी। ये फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी। और देखिए, ये सबका देश है, इसमें अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जात है। नफरत से इस देश को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ये प्यार मोहब्बत का देश है। और जहां भी बीजेपी जाती है हर प्रदेश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, और जहां भी वो नफरत फैलाते हैं वहां कांग्रेस पार्टी जाके प्यार से काम करती है, जोड़ने का काम करती है। हमारे यहां पे लाखों कार्यकर्ता है, हमारी विचारधारा आपके डीएनए में, आपके खून के अंदर है, और दिन भर आप हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करते हो। और मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप पर लाठी चलती है, आप पर आक्रमण होता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर प्यार फैलाते हो। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सबसे ज्यादा, सबसे गहराई से महाराष्ट्र में है, हमारी शुरुआत भी यही हुई है, ये महाराष्ट्र की जनता के डीएनए में है। आप नफरत से काम नहीं करते हो, आप एक साथ मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाते हो। तो मैं महाराष्ट्र की जनता से और आप सबसे धन्यवाद करना चाहता हूं। चुनाव का समय है, यहां पे मिलकर एनसीपी के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और महाराष्ट्र की जनता एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को सबक सिखाने जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने रोजगार का मुद्दा है। मैंने किसानों की बात की, और किसानों को मदद करनी ही पड़ेगी, और कांग्रेस पार्टी करेगी, हाथ में हाथ मिलाकर हम किसान के साथ आगे बढ़ेंगे। मगर युवाओं के रोजगार की भी समस्या है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार 450 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देती है। चाइना की सरकार उसी 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देती है। 5 साल नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का समय टाइम वेस्ट किया है। हमें चाइना का मुकाबला करना ही पड़ेगा,
हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दिलवाना ही पड़ेगा, महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार दिलवाना ही पड़ेगा। आजकल आप अपने फोन को देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के पीछे देखो, मेड इन चाइना। पूरा शहर को बदलना पड़ेगा, उसे मेड इन इंडिया और मेड इन महाराष्ट्र बनाना ही पड़ेगा। और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। हमने देख लिया, 5 साल आपने देखे, अब समय आ गया है युवाओं को रोजगार देने का और किसानों की रक्षा करने का समय आ गया है। और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आप सब यहां दूर दूर से आए, काफी गर्मी है, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक बार फिर जो हमारे सीआरपीएफ के जवान, एयरफोर्स के जो हमारे पायलट शहीद हुए, उनकी वजह से याद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। देशाचे नेते युते आपले पंतप्रधान राहुल जी आले, आपल्या नंदुरबार धुळे खानदेशाला उपदेश केला, आपले पुढचे पंतप्रधान। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।